क्लास हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स को अच्छे से समझ चुके हैं। इस टॉपिक में हमने जो भी कुछ सीखा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये सीखा कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में और ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में। फ्रूट दो पार्ट से बना होता है, वॉल और सीड से। आउटर वॉल को हम बोलते हैं पेरिकार्प। जब भी फ्रूट फ्लैशी होता है तो पेरिकार्प तीन लेयर्स बनाता है, जो कि है आउटर एपिकार्प, मिडल मीजोकार्प और इनर एंडोकार्प। फिर हमने ये सीखा कि दो टाइप की सीड्स होती हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट। इनके स्ट्रक्चर्स को भी हमने डिटेल्स में सीखा। फिर हमने ये सीखा कि सीड दो टाइप्स की होती हैं, बेस्ड अपॉन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म। जिन सीड्स में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, मैच्योर सीड्स में भी, ऐसी सीड्स को हमने नाम दिया एंडोस्पर्मस। जिन सीड्स में एंडोस्पर्म मैच्योर सीड में एब्सेंट होता है, ऐसी सीड्स को हमने बोला नॉन एंडोस्पर्मस सीड। मेरा सुझाव आपको ये है कि आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए। इन सभी पॉइंट्स को आप अपनी नोटबुक्स में अच्छे से लिख लीजिए। इस टॉपिक से रिलेटेड रेफरेंस क्वेश्चंस ये हैं, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं।